अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रोहित के जाने का वक्त हो रहा है, लेकिन हम कैसे जाने दे सकते हैं उसे? पापा, छोटी माँ, हम रोहित को कैसे जाने दे सकते हैं? उसने हमारे परिवार के लिए इतना कुछ किया है, हमें उसे रोकना चाहिए ना छोटी माँ? जिस दर्द से हम इतने सालों से गुजर रहे थे, उसने हमें उस दर्द से निकाला है। उसने हमेशा हमारे परिवार के बारे में, हमारे बारे में सोचा है। हमें भी तो उसके बारे में सोचना चाहिए ना, उसके परिवार के बारे में सोचना चाहिए ना पापा। और उसके दादाजी, उनकी तबीयत भी खराब है, हम कैसे जाने दे सकते उसे? प्लीज पापा, हमें रूही को रोकना होगा। प्लीज छोटी माँ, हमें रूही को रोकना होगा। तुम पागल हो गए हो क्या? सोचो अगर रूही आ रुक गई तो हम अग्नि को क्या जवाब दें? क्या कहेंगे अग्नि को? नहार हाँ नहार, और वैसे भी यहाँ से जाने का फैसला उसका था ना, तो जाने दो उसे। देखो नार बेटा, रूही ने तुम्हें तुम्हारी खुशियां लुटाई हैं, अब खुशियों की बारी उसकी है। अगर वो यहाँ रहेगी तो अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेगी? उसे आगे बढ़ने दो, जाने दो उसे, उसे रोको मत। उसे भी ऐसे इंसान के साथ का हक है जो उसे उतना ही प्यार दे सके जितना तुम अग्नि को देते हो। भैया भाभी आ गई। अरे नई दुल्हन की तरह शर्माती हुई धीरे धीरे क्यों आ रही हो? जल्दी करो, अग्नि के सामने सारी पोल खोलना चाहती हो क्या? दादी प्लीज, रूही ने इतना कुछ किया हमारे परिवार के लिए, कुछ नहीं तो एक थैंक यू तो बोल ही सकती है ना। अरे किस बात का थैंक यू? इसकी वजह से मेरे सर पर तलवार लटक रही है। माफ करना बेटा। कोई बेटा, हम तुम्हें अपनी बेटी बनाकर इस घर में बहुत प्यार देना चाहते थे, लेकिन हम धोखे और नफरत के अलावा कुछ नहीं दे सके। बेटा अगर हो सके तो हमें बाबूजी, आपने हमेशा मुझे एक बेटी के जैसा प्यार दिया है, मैं इस घर से बहुत सारे खूबसूरत रिश्ते लेकर जा रही हूँ। माँ की तरह गलती करने पर बहुत सारा डांट तो सुना है, पर अच्छा काम करने पर बहुत सारा प्यार लेकर जा रही हूँ। एक प्यारी बहन की चुलबुली बातें लेकर जा रही हूं, एक छोटे भाई की शरारतें लेकर जा रही हूं। भाभी, दुख का एहसास है, लेकिन उससे ज्यादा अपने दामन में खुशियां लेकर जा रही हूं। दोस्त भी बस बहुत हो गया ये रोना धोना, विदाई का समय हो गया, उठाओ सामान और निकलो चलो। समर, तुम रूही को उसके घर छोड़ा,
नहीं समर भैया, अब यहां से आगे का रास्ता मैं खुद तय करूंगी। नहीं रोहिणी, तुम अकेले कैसे जाओ? समर नार जी प्लीज, मुझे जाने दीजिए, वरना मैं कमजोर पड़ जाऊंगी, शायद शायद फिर जा ना पाऊं। अब जब तुम इस घर से जा ही रही हो तो इस घर की चीजों पर तुम्हारा कोई हक नहीं। दादी जी, मैंने इस घर से कुछ भी नहीं लिया है, ये सब मेरा सामान है, आप चाहे तो चेक कर लीजिए। मुझे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। निकालो ये मंगलसूत्र, इस पर अब तुम्हारा कोई हक नहीं। अरे जब रिश्ता ही नहीं रहा तो उसकी निशानी रखकर क्या करोगी? निकालो इसे। दादी जी, मेरा मंगलसूत्र छोड़िए। दादी प्लीज, जब तुम दोनों में कोई रिश्ता ही नहीं बचा तो फिर क्यों ये मंगलसूत्र और ये सिंदूर? हे लड़की, जल्दी से नहार को तलाक देकर उसे आजाद करो। दादी, रिश्ते इतने आसानी से नहीं टूट जाते, उसको वक्त लगता है। रोही, मुझे माफ कर देना हर वो दर्द के लिए, हर वो तकलीफ के लिए जो तुमने यहां सहा है। उसकी भरपाई तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन दिल से दुआ जरूर करूंगा कि तुम जहां भी रहो खुश रहो। और ये दुआ करूंगा, मेरे जैसा धोखेबाज आदमी तुम्हें कभी नहीं मिले। Oh.
अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।